हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस मार्केटिंग पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड के अबाउट। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगातार लोअर सर्किट हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें दो दिनों से क्या हुआ है, 13 तारीख और यहाँ पे 3 तारीख और यहाँ पे 4 तारीख, दो दिनों से हमें अपर सर्किट देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शेयर जो है कि स्टेबिलिटी ले चुका है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हमें बेस बनाता हुआ नज़र आ रहा है, कितने रुपए में हमें अच्छा खासा इस बेस बनाता हुआ नज़र आ रहा है, 5.70 रुपये। तो पिछले वीडियो में जैसे कि हमने बात किया था कि यहाँ पे हमें जो है कि अच्छा खासा एक परसेंटेज में हमें इंक्रीज पॉइंट देखने को मिलेगा, लगातार लोअर सर्किट जब देखने को मिल रहा था, वो इसी वक्त हमने एक वीडियो बनाया था कि यहाँ पर हमें जो है कि सबसे ज़्यादा अगर लोअर सर्किट पर जाता है तो फिर यहाँ पर जो है कि 50% के आसपास यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इंक्रीज पॉइंट उछाल आने के आगे से। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 50% यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे आप देखिए 50% से पहले ही हमें एक अच्छा खासा बेस निकल के आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिविटी की ओर देखने को मिल रहा है, और इसके अबाउट एक नया अपडेट निकल के आया है, उसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी वीडियो में नए आए हैं उन सभी के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आगे भी ऐसे ही नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस से भरी वीडियोज़ पाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 171% का यहाँ पे हमें इंक्रीज पॉइंट के साथ हमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है, लगातार दो दिनों से अपर सर्किट, जो कि एक पॉजिटिव साइन की ओर नज़र दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करते हैं जो कम्युनिटी सेंटीमेंट है उसके ऊपर, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कम्युनिटी सेंटीमेंट जो है कि हमें एक अच्छा खासा जो है कि पॉजिटिविटी के ओर साइन कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए कितना परसेंट, आप देख सकते हैं कि 87% लोग यहाँ पे जो है कि हमें बाइंग करने की सलाह दे रहा है, और यहाँ पे होल्डिंग कितना, होल्डिंग 13% और सेल 0%। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है कि सेलिंग का क्वांटिटी आप अगर देखेंगे तो 0%, जो कि हैरान कर देने वाली बात नज़र सामने आता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर सेलिंग का जो प्रेशर है अभी आपको बिल्कुल भी देखने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है। अदरवाइज़ अगर आप बात करेंगे NSE के ऊपर या फिर BSE के ऊपर, तो यहाँ पर BSE में क्या सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन NSE के ऊपर हमें जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 8700 के आसपास जो है कि एक बाइंग प्रेशर जनरेट करता हुआ नज़र आ रहा है, कितने 6.20 रुपये में। तो परसों जब भी मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पर हमें 6.20 रुपये पर ही हमें यहाँ पे बाइंग के लिए लग जाएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो है कि हमें एक अपर सर्किट देखने का चांसेस बन के आ रहा है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो चार्ट के अकॉर्डिंग हमें जैसे कि दो दिनों पर, पिछले दो दिनों से 3 तारीख और 4 तारीख में हमें अच्छा खासा एक अपर सर्किट देखने को मिला है, बिल्कुल वैसे ही आगे भी, मतलब यहाँ पे परसों भी हमें जो है कि नेक्स्ट डे जब ट्रेडिंग शुरू होगा तो नेक्स्ट डे भी हमें एक अच्छा खासा इंक्रीज पॉइंट के साथ ही एक क्लोजिंग करता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 5.70 रुपये पर एक अच्छा खासा बेस बनाता हुआ शेयर जो है कि आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर इससे ज़्यादा नीचे जाने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, एंट्री लेना चाहते हैं FCS के अंदर, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फ्रेश बाइंग का भी चांसेस बन के आया है, तो आप यहाँ पे अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, और अदरवाइज अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप अगर देखेंगे 5 ईयर को, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पाएंगे कि दो यहाँ पे पिछले दो बार भी उछाल लगाया गया था, लेकिन जैसे कि आप अगर देखेंगे उछाल से पहले और उछाल के बाद जब लोअर सर्किट लगने के बाद देख सकते हैं कितना परसेंट का हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 121। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी आपको देखिए 171 पे ही आपको इंक्रीज पॉइंट पे क्लोज होता हुआ नज़र आया है। तो यहाँ पर जो है कि अपर सर्किट लगने से पहले जो परसेंटेज हमें देखने को मिल जाता, जिस अमाउंट पे यहाँ पे शुरू हुआ था अपर सर्किट के दौर, और अपर सर्किट के बाद जो लोअर सर्किट लगा है वो लोअर सर्किट के एंड में, मतलब यहाँ पे अपर सर्किट के शुरुआत में और लोअर सर्किट के एंड में जो परसेंटेज हमें एफ्रॉक्स देखने को मिल रहा है वो है 150 से 170% के आसपास। जी हाँ दोस्तों, मतलब यहाँ पर आप समझ के चल सकते हैं कि 150 से 170% के आसपास में ही जो है कि हमें एक अच्छा खासा बेस बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर और भी एक और अगर उछाल
आए तो फिर से जो है कि हमें 150% से भी 150% के आसपास ही इंक्रीज पॉइंट पे ही हमें एक लोअर सर्किट स्टेबिलिटी देखने का चांसेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है, ये मार्केट है, शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये मैंने एक थंब रूल के ये मैंने एक अनुमान लगा के आपको बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि इसी स्ट्रैटेजी पर जो शेयर काम कर रहा है, जिस स्ट्रैटेजी पर ये शेयर कामकाज कर रहा है, उसी स्ट्रैटेजी को हमने यहाँ पर सिर्फ आपके सामने लेकर आए हैं। और यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा है, टारगेट के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक, जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीक का जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 7 रुपीज़ प्लस। जी हाँ दोस्तों, 7 रुपीज़ प्लस यहाँ पे हमें नेक्स्ट वीक का टारगेट निकल के आ रहा है। तो इसी टारगेट को लेकर हम लोग नेक्स्ट वीक के ऊपर ही ट्रेड करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है, 7 रुपीज़ से ज़्यादा जाता है या फिर 7 रुपये में ही स्टॉप होता हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस है 7 रुपये भी यहाँ पे क्रॉस करने का, क्योंकि इसका जो मार्केट डेप्थ है बहुत ही ज़्यादा कम है। और यहाँ पे जो पॉजिटिविटी न्यूज़ आ रहा है, न्यूज़ के तरफ अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, दो दिन पहले ये न्यूज़ आया था, यहाँ पे आप देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.8 बिलियन जो है कि लास्ट वीक हमें यहाँ पे मार्केट कैप बढ़ाता हुआ नज़र आया है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक न्यूज़ आया है, और यहाँ पे न्यूज़ में क्या किया है, सम्मानित किया गया है, सम्मानित यहाँ पे किया गया है FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को। इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो कम्युनिटी सेंटिमेंट है उसके तरफ यहाँ पे आपको जो है कि ध्यान देंगे तो पता चलेगा यहाँ पे सेलिंग क्वान्टिटी आपको 0 देखने को क्यों मिला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मार्केट इतना ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ पे जो कि मार्केट कैप बढ़ा है, इसका मतलब यहाँ पे बिजनेस भी यहाँ पे अच्छा खासा किया जा रहा है। और मार्केट कैप बढ़ने का मतलब ये बिजनेस यहाँ पे बढ़ रहा है, तो बिजनेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है कि सेलिंग क्वांटिटी कमेगा, प्रॉफिट बुकिंग कमेगा, और यहाँ पे कंपनी जो है कि प्रॉफिट में जब भी जाएगा यहाँ पे जो है कि आपको एक अच्छा खासा इंक्रीज पॉइंट ही देखने को मिलेगा शेयर चार्ट में। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक इंक्रीज पॉइंट देखने को मिला है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट में देखें तो फिर यहाँ पे 0 क्वांटिटी का यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आई होप ये जो शेयर है आगे भी हमें इंक्रीज पॉइंट और रेवेन्यू जनरेट करता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिला होगा। अगर हेल्प मिला है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस वाली वीडियोज़ आगे भी कंटिन्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।